हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे बुक में से लेसन नंबर 5th यानी चैप्टर 5 और इसका नाम है वृक्षा। टुडे वी विल लर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 वृक्षा। इस वीडियो में हम सारे जितने भी हमारे प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसकी हम अभ्यास करेंगे। अगर आपने जो लेसन है उसका अनुवाद संस्कृत से हिंदी में आपने पढ़ना है तो वो हमारे चैनल आइडली डेली लाइफ में अवेलेबल है। इस चैनल में हम सिर्फ जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो इस अध्याय में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर देखेंगे, लिखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 5 वृक्षा। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 32 यानी पेज नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वचनानुसारम रिक्षस्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्षस्थान जो है वो पूरा करें, उनको भरें। यथा जैसे वनम वने वनानि, यानी एकवचन द्विवचनम बहुवचनम। तो यहाँ पर तीन वचन हमारे होते हैं, एक द्वि और बहु। तो ये तीनों वचनों में हमने इनको चेंज करना है, इनको बदलना है। जैसे जले है, बिंबम है और वृक्षम है, है ना, जनो है। तो इन सबको हमने जो है चेंज करना है। इनका आंसर चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है वनम वने वनानि, अगला है जले यानी जलम जले जलानि, अगला है बिंबम, तो इसका बनेगा बिंबे बिंबानि, अगला है वृक्षम वृक्षो वृक्षान, यानी एकवचन द्विवचन और बहुवचन में चेंज किया हमने इनको। अगला है पवनान यानी पवनम पवनो पवनान, अगला है जनो, तो जनो जो है वो द्विवचन है तो इसका एकवचन बनेगा जनम, द्विवचन जनो और बहुवचन होगा जनान। तो ये हमने तीनों वचनों में इनको लिखा है, सीख लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्ता विभक्ति योजनविता रिक्षस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए गए हुए शब्द यानी जो ब्रैकेट में प्रकट शब्द किया गया है, इसका उपयुक्त विभक्ति करके योजना यानी अपने शब्द के अनुसार ये जो खाली स्थान है इसको हमने भरना है। यथा जैसे अहम रोटिका अहम खादामि, यानी यह रोटिका ब्रैकेट में दे रखा है तो रोटिका का हो गया रोटिकाम, अहम रोटिकाम खादामि। तो ऐसे ही हमने जो नीचे दिए हुए हैं त्वम पिबसि, तो इसका जल है तो ये हो जाएगा त्वम जलम पिबसि। जैसे नीचे दिया हुआ है छात्रः पश्यति, अब इसमें आएगा दूरदर्शन लिखा है तो ये हो जाएगा छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। जैसे वृक्षा है तो इसका आ जाएगा वृक्षः पवनम पिबन्ति। तो इसी तरह से हमने ये सारे बना लेने हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है ये हो जाएगा ताः कथाम लिखन्ति, यानी कथा लिखा है ब्रैकेट में तो ये कथाम हो जाएगा। अगला है आवाम गच्छाव, इसमें ब्रैकेट में लिखा है जंतुशाला तो ये हो जाएगा जंतुशालाम गच्छाव, अहम आवाम जंतुशाला गच्छाव। तो ये हमारे सारे बना लिए। फर्स्ट क है त्वम जलम पिबसि, ख है छात्रम दूरदर्शनम पश्यति, ग है वृक्षाम पवनम पिबन्ति, घ है ता कथाम लिखन्ति, ङ है आवाम जंतुशालाम गच्छाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने अच्छे से रट लिया है, देख लिया है। अगला है पेज नंबर 33 यानी पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अधोली
अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदानि चिनुत। तो इसका जो अर्थ बनता है, ये हमने जो है बनाने हैं, क है वृक्षः नवः श्रेषु बहन्ति, ख है बिगहा वृक्षेषु कुजयन्ति, ग है पयोददर्पणे वक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, घ है कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, अंग है सरोवरे मत्स्या सन्ति। तो इसका हमने जो क है उसका आंसर है वृक्षः, जो घ है उसका आंसर है विघा, जो ग है उसका आंसर है वृक्षः, जो घ है उसका आंसर है कृषकः, और जो अंग है उसका आंसर है मत्स्य। तो मत्स्य का अर्थ होता है मछली। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से रट लिया है, अच्छे से हमने इसको जो है पढ़ लिया है। अगला इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानुसार मुक्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्न के उत्तर के अनुसार एक पद लिखें, वृक्षः कै पैतालम स्पृशन्ति, ख है वृक्षः किम रचयन्ति, ग है बिगहा कुत्र आशीनः, घ है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। इसका आंसर है वृक्षः पादः पातालं स्पृशन्ति, ख है वृक्षः वनं रचयन्ति, ग है बिहगः शाखादूला आसीनः, घ है कातुकेन वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। तो ये आंसर आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। अगला पेज नंबर 33 पर ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है समुचितः पदः रिक्षतानानि पूरयति। अब इसमें आपने रिक्षस्थान भरने हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। सबसे पहले अब ये हमने जो है यहाँ पे विभक्ति में दिया हुआ है, विभक्ति क्या होती है, विभक्ति कैसे करते हैं, विभक्ति होता क्या है, इसकी भी वीडियो हमारे इस चैनल में अवेलेबल है। आप संस्कृत में विभक्ति के नाम से इस चैनल में वीडियो सर्च मार सकते हैं, वहाँ से उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आइए फिर भी हम इसमें समझते हैं, इसमें समझने का प्रयास करिएगा ज़रूर से वीडियो को बार बार देख के कि इसको हमने कैसे इसका आंसर लिखना है। एक वचन में जिस प्रथमा में है विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में एक वचन है गजह, गजह के आगे गजौ और गजह, यानी द्विवचन है तो वो गजौ हो जाएगा, बहुवचन है तो वो गजा हो जाएगा। ये जो विभक्ति होती हैं ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ये सारे विभक्ति होते हैं। प्रथम विभक्ति में गजा का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, तो इस ऐसे हमने ये लिखने हैं। ऐसे ही अगला हमारा है अश्व, जो अश्व है उसका द्विवचन हो, एक वचन है इसका द्विवचन हो जाएगा अश्व और बहुवचन हो जाएगा अश्वः। नेक्स्ट हमारा है सूर्यम सूर्यो सूर्यान। अगला है चंद्राण, तो इसका होएगा चंद्रम चंद्र चंद्रान। अगला है तृतीय विभक्ति में बिडालेन बिडालाभ्याम और बिडालेह, तो इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखा मुंडकाभ्याम, तो ऊपर था हमारा बिडालाभ्याम यानी द्विवचन में तृतीय में विभक्ति में, तो अब हमारा इसका तृतीय विभक्ति में एक वचन हो जाएगा इसका मंडुकेन और बहुवचन हो जाएगा मंडुकः। चतुर्थी विभक्ति में देखिए यहाँ पर एक वचन में है सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो ये एक वचन बहुवचन और एक द्विवचन और बहुवचन में दिया है, तो इसका हम नेक्स्ट इन्होंने वर्ड दिया है यहाँ पे बानराभ्याम, तो बानराभ्याम द्विवचन है चतुर्थी विभक्ति में, तो ये चतुर्थी विभक्ति में एक वचन होएगा बानराय और बहुवचन होएगा बानरेभ्या। अब हमारा चलते हैं पंचमी,
यानी पंचमी विभक्ति में एक वचन में है मोदकात। मोदकात को सेकंड विभक्ति में हो जाएगा इसका, यानी जो द्विवचन है उसमें हो जाएगा मोदकाभ्याम, मोद के भ्या। ऐसे ही वृक्षभ्य लिखा है नेक्स्ट, तो वृक्षभ्य का हो जाएगा वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षभ्य। षष्ठी में होएगा जनस्य जनयो जनानाम। तो नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है वो है शुकानाम। शुकानाम का एक वचन होएगा शुकस्य शुकयो शुकानाम, यानी शुकानाम जो है वो बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, तो इसका होएगा शिक्षकयो द्विवचन और शिक्षकेश होगा बहुवचन। मयूरे मयूरोह और मयूरेशु, यानी मयूरोह यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक वचन होएगा मयूरे और बहुवचन होएगा मयूरेशु, तो ये हो जाएगा मयूरे मयूरोह और मयूरेशु, यानी सप्तमी विभक्ति में एक वचन द्विवचन और तीन वचन में ये हमने सीखा है। संबोधन, हे बालक हे बालको हे बालिका। नर्तक, हे नर्तको हे नर्तका। तो ये हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिया है। अगले क्वेश्चन, अगला हमारा पेज नंबर 34 पर ही क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इसका मतलब है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत का अर्थ है भिन्न, यानी जो भी इसमें शब्द दिए गए हैं इससे जो भिन्न है यानी अलग है वह शब्द चुने। तो इसमें से अब जो क है उसमें दिया है गंगा लता यमुना नर्मदा। तो गंगा यमुना नर्मदा ये एक ही हैं, एक ही के पर्यायवाची हैं, तो इसमें जो लता है वो अलग है, तो इसका आंसर क का होगा लता। ख में है धानम कुसुमम फलम चित्रम, तो ये बाकी सारे मिलते जुलते हैं पर इसमें जो चित्रम है वो अलग है, तो ख का आंसर हो जाएगा चित्रम। ग है लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, तो इसमें जो चटका है यानी चिड़िया जो है वो अलग है, बाकी सब एक ही से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बाकी सब जो है एक ही शब्द से एक ही से मिलते जुलते हैं, पर जो चटका है वो भिन्न है। अगला है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, यानी जो बाकी आम के लिए फल नारंग जो भी इसमें दिए हुए हैं वो सारे फल से लेने देने हैं, वो सारे फल हैं, मगर मोदकम हटके है, मोदकम यानी लड्डू जो है वो हटके है, तो मोदकम इसका आंसर होगा। तो आज हमने इस क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं अच्छे से। क का आंसर है लता, ख का है चित्रम, ग का है चटका और घ का है मोदकम। हमने बताने के साथ साथ समझाने के साथ साथ आंसर आपको लिख के भी दिए हैं जिससे कि आपको इनको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, समझने में आसानी हो जाए, इसीलिए यह वीडियो बनाई गई है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।